हेलो विद्यार्थियों, तो आज के इस सेशन में आप सभी को यहाँ पर जो है केमिस्ट्री का मॉडल पेपर जो कि आपको सॉल्व कराया जा रहा था, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में सॉल्व करा दिया था। तो आज यहाँ पर जो है मैं आप सभी को क्वेश्चन नंबर 5 से जो है वो सॉल्व कराने वाला हूँ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि प्राथमिक और द्वितीयक बैटरियों की तुलना में जो ईंधन सेल है इससे क्या लाभ होता है। प्राथमिक और द्वितीयक बैटरियों की तुलना में ईंधन सेल से क्या लाभ है। डिस्चार्ज होते समय सीसा संचायक सेल में होने वाली अभिक्रिया लिखिए, और जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो विद्युत अपघट्य का घनत्व तो किस प्रकार प्रभावित होता है। कुल मिला के यहाँ पर ये क्वेश्चन 3 भागों में बटा हुआ है। पहला तो प्राथमिक और द्वितीयक बैटरियों की तुलना में ईंधन सेल से क्या लाभ है, ये आपका 2 नंबर का। एक नंबर यहाँ पर डिस्चार्ज होते समय सीसा संचायक सेल में होने वाली अभिक्रिया, एक नंबर का ये है। और फिर जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो विद्युत अपघट्य का घनत्व तो किस प्रकार प्रभावित होता है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर बात हुई है प्राथमिक और इसके अलावा द्वितीयक बैटरियों की। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो प्राथमिक बैटरियाँ होती हैं इन्हें यहाँ पर चार्ज नहीं किया जा सकता, यानी कि इनको जो है दोबारा से आवेशित नहीं किया जा सकता। इसके जो भी यहाँ पर उत्पाद होते हैं इन बैटरियों के, वो कंप्लीट होने के बाद यानी कि जब वो ख़त्म हो जाते हैं तो इनको दोबारा से जो है चार्ज नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो आपकी द्वितीयक बैटरियाँ होती हैं इनको यहाँ पर चार्ज किया जा सकता है, और जो आपका सीसा संचायक सेल या सीसा संचायक बैटरी होती है इसको चार्ज तो किया जा सकता है, यानी कि रिचार्जेबल तो होती है, लेकिन यहाँ पर जो है इसको बहुत अधिक समय लगता है चार्ज होने में। कुल मिला के इन दोनों के बहुत अच्छे आउटपुट यानी कि रिजल्ट आपको नहीं मिलते हैं। लेकिन जो ईंधन सेल होते हैं यहाँ पर जो है इनको समय समय पर जो है रिचार्ज करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती, यानी कि इनको चार्ज करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ती है। इसलिए यहाँ पर जो ईंधन सेल होते हैं इनकी तुलना में अधिक लाभदायक माने जाते हैं। इसके अलावा डिस्चार्ज होते समय सीसा संचायक सेल में होने वाली अगर अभिक्रिया की बात करें तो वो आप बता सकते हैं यहाँ पर अभिक्रिया। देखिए अभिक्रिया होती है पी बी यानी कि लेड, यहाँ पर ही जानते हैं पी बी, ठीक है। इसके अलावा इसकी क्रिया कराई जाती है पी बी ओ टू से, और ये जो क्रिया होती है सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थित में यानी कि H2SO4, और इसके यहाँ पर 2 मोल जो है वो यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें आपका बनता क्या है, 2PbSO4 ये बन जाएगा यहाँ पर। सबसे पहले क्या बनेगा आपका, 2PbSO4, इस तरह से आप यहाँ पर जो है इसको लिख सकते हैं। और साथ में इसमें जल निकलता है यानी कि H2O, इस तरीके से संतुलित करेंगे तो यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। तो ये आपके डिस्चार्ज होते समय सेल में होने वाली अभिक्रिया हो जाएगी, इस तरीके से आप यहाँ पर जो है इसके बारे में बता सकते हैं। तो वही ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहले से टाइप कर दिया गया आंसर। प्राथमिक बैटरियों में जो है सीमित अभिकारक होते हैं, यानी कि यहाँ पर जो अभिकारक होते हैं जब ये पूर्ण हो जाते हैं यानी कि इनका पूरी तरह से उपभोग हो जाता है तो यहाँ पर इनको चार्ज नहीं किया जा सकता है। सिंपल लैंग्वेज जो मैंने अभी आपको बताई थी आप वही यूज कर सकते हैं कि प्राथमिक बैटरियों को आवेशित नहीं किया जा सकता है, लेकिन द्वितीयक बैटरियाँ जो होती हैं इनको आवेशित किया जा सकता है। और वे अभिकारकों के पूर्ण उपभोग के बाद जो है काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि इनको चार्ज किया नहीं जा सकता, इस प्रकार वे जो है रिचार्जेबल नहीं है। और जो संचायक बैटरी है ये आपकी रिचार्जेबल होती है, लेकिन यहाँ पर जो संचायक बैटरी होती है इसको चार्ज करने के लिए आवश्यक समय जो होता है वो बहुत लंबा यानी कि बहुत ज़्यादा होता है। इस प्रकार दोनों बैटरी जो है आपको संतोषजनक आउटपुट यहाँ पर जो है वो नहीं देती हैं। और दूसरी ओर ईंधन सेलों को जो है समय समय पर रिचार्जिंग की आवश्यकता नहीं होती है, और यहाँ पर जो है ईंधन की आपूर्ति होने पर भी वे जो है काम करना यहाँ पर जो है बंद कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर ईंधन सेलों को रिचार्जिंग की आवश्यकता नहीं होती है और ईंधन की आपूर्ति होने पर वे चल सकते हैं। इसलिए यहाँ पर प्राथमिक और संचायक बैटरी का जो है एक फायदा है। तो ये लोग याद रखिएगा कि इसलिए यहाँ पर ईंधन सेल जो होते हैं इनकी तुलना में अधिक श्रेष्ठ माने जाते हैं। बाकी मैंने आपको यहाँ पर जो इसका समीकरण है वो मैंने बता ही दिया है बैटरी का यहाँ पर।
समीकरण, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये आपका पी बी एस ओ फोर, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर जो है पी बी एस ओ फोर ये दिया गया। लेड स्टोरेज सेल में जो है पी बी एस ओ फोर विद्युत अपघट्य है और डिस्चार्ज होने पर लेड स्टोरेज बैटरी की शैल अभिक्रिया यहाँ पर इस तरह से होती है, ये आप इसके बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है डिस्चार्ज करने पर एनोड का जो लेड और कैथोड का पी बी ओ टू पूरी तरह से जो है यहाँ पर पी बी एस ओ फोर में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है और गठित सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया में उत्पादित जल से तनु हो जाता है और प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर जो है पी बी एस ओ फोर बनने के कारण जो है यह सल्फ्यूरिक अम्ल पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और इस प्रकार इसकी सांद्रता जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है और परिणाम स्वरूप यहाँ पर विलयन का घनत्व तो क्या होता है, कम हो जाता है। क्योंकि आपसे यही पूछा गया था क्वेश्चन में कि घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो विद्युत अपघट्य का घनत्व तो किस प्रकार से प्रभावित होता है, इसलिए यहाँ पर घनत्व की बात की गई है। और बैटरी डिस्चार्ज होने के दौरान जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है तथा जल जो है एक उत्पाद के रूप में बनता है और यहाँ पर विद्युत अपघट्यों का घनत्व जो होता है ये कम हो जाता है। अगर आप चाहें तो इस समीकरण के बाद ये पॉइंट ना लिखकर यहाँ पर डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं इस जगह से, बैटरी डिस्चार्ज होने के दौरान जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है और यहाँ पर जल जो है उत्पाद के रूप में बनता है। ये मैंने पूरा इसलिए नोट कर दिया है ताकि आपको यहाँ पर पूरी अभिक्रिया के बारे में पता रहे, ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर ख में अब दो क्वेश्चन है आपके। पहला है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक आपको दिया गया है 60, सेकेंड इनवर्स है, अभिक्रिया को अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16 भाग रह जाने में कितना समय लगेगा, यहाँ पर आपको समय बताना है। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे पहला क्वेश्चन। यहाँ पर आपको वेग स्थिरांक दिया गया और वेग स्थिरांक कितना दिया गया आपको, यहाँ पर 60 सेकंड दिया गया है, ठीक है। वेग स्थिरांक को लिखते हैं के से, के बराबर आपको दिया गया है 60 सेकंड इनवर्स, इतना। अब ध्यान दीजिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपका होता है के बराबर 2.303/T log a/a-x, ये आप सभी लोग जानते हैं, ये फॉर्मूला होता है वेग स्थिरांक का, तो इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे। यहाँ से आपको ज्ञात क्या करना है, इस टी का मान, तो जब टी ज्ञात करेंगे तो टी आपका इधर गुणे में आएगा और के आपका इस तरफ बटे में आएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2.303 और बटे में आ जाएगा यहाँ पर के, इंटू में हो जाएगा लॉग a/a-x। अब अगर यहाँ पर हम लोग मान रखें तो टी बराबर 2.303 बटे में के का मान रख दीजिए आप 60 इंटू लॉग, यहाँ पर ध्यान दीजिए ए क्या है, प्रारंभिक मात्रा, तो ए तो आपकी यही रहेगी प्रारंभिक मात्रा, और यहाँ पर क्या कह रहा है कि सांद्रता से 1/16 भाग रह जाने, यानी कि जो शेष भाग बचा है वो कितना है, 16 भाग, तो प्रारंभिक मात्रा ए, तो इसका 16 भाग ए बटे 16 हो जाएगा, यानी कि a-x का मान कितना होगा, सीधे सीधे a/16। यही पॉइंट आपको समझने हैं, ये a से a कट जाएगा यहाँ पर, तो ये आएगा आपका p बराबर 2.303/ में हो जाएगा 60 log, ये देखिए 16 पलट के ऊपर आएगा, तो ये इतना हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर आएगा t बराबर 2.303/ में हो जाएगा 60, इसके बाद log, यहाँ पर ध्यान दीजिए 16 दिया गया, 16 को आप लिख सकते हैं 2^4, इस तरह से 2 का गुणा अगर 4 बार करेंगे तो 2 × 4 × 8 × 16 आता है, तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि t बराबर 2.303/60। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, log में आपको पता है पावर वाली संख्या हमेशा गुणे में आ जाती है, तो ये हो जाएगा 4 log 2, इस तरह से इतना आएगा t बराबर 2.303/4 log 2। देखिए जब पेपर आएगा तो पेपर में तो आपको log 2 का मान दिया जाएगा, यहाँ पर आपको दिया नहीं गया, याद रखिएगा 0.303
तीस दस ये आपका लॉग टू का मान होता है और बट्टे में आपको दिया गया है 60। अब यहाँ पर आप चाहें तो इस चार से इसको कैंसिल कर दीजिए क्योंकि 15 चौको कितना होता है आपका 60 होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो इसको भाग कर सकते थे, तो ये इतना आ जाएगा। अब इसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, आप इसको गुणा करिए और इससे भाग करेंगे तो लगभग 0.046 के आसपास आ जाएगा, वो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इससे आप ऐसा भी लिख सकते हैं t बराबर, अगर मानक रूप में लिखे तो दशमलव दो अंक के बाद जाएगा यानी कि 4.6, तो दशमलव कितने अंक ले गए, देखिए यहाँ से यहाँ तक आने में दो अंक यानी कि गुणे 10 की घात माइनस 2 सेकेंड, तो ये यहाँ पर जो है इसका आंसर आ जाएगा 4.6 इंटू 10 की पावर माइनस 2 सेकेंड, तो ये आपका यहाँ पर जो है आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। अब ये क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो गया, लेकिन साथ ही ध्यान दीजिए यहाँ पर इसी में एक क्वेश्चन और भी दिया गया है। अब इसका सेकंड पॉइंट ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 30% वियोजन होने में 40 मिनट लगते हैं, तो यहाँ पर टी हाफ की गणना कीजिए, कुल मिला के आपको यहाँ पर अर्ध आयु की गणना करनी है। आपकी बार टी बराबर कितना दिया गया, 40 मिनट, टी बराबर आपको दिया गया है 40 मिनट। अब की बार ये सेकेंड नंबर है, ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए सूत्र आप वही यूज़ करेंगे, के बराबर 2.303 बट्टे में हो जाएगा टी लॉग ए बट्टे ए माइनस एक्स। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए के बराबर 2.303 बट्टे में टी का मान हो जाएगा 40 लॉग। अब यहाँ पर समझिए, अब की बार देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर कि अभिक्रिया में 30% वियोजन होने में, यानी कि वियोजन कितना हो चुका है 30%, तो प्रारंभिक मात्रा आप कितनी मान के चलेंगे, प्रारंभिक मात्रा आप मान के चलेंगे 100% यानी कि 100 थी, 30% इसमें वियोजित हो गया तो शेष मात्रा कितनी आएगी 70%, क्योंकि ए का मान 100 और एक्स का मान 30% वियोजन हुआ है, तो यहाँ पर कितना बचेगा 70। तो यही पॉइंट अब आपको यहाँ पर ध्यान रखने है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर के बराबर 2.303 बट्टे में हो जाएगा 40, इसको ध्यान दीजिए लॉग यहाँ पर 10/7 है, तो आपको पता है लॉग एम बट्टे एन वाले सूत्र से क्या लिख सकते हैं, लॉग 10 और माइनस में हो जाएगा लॉग 7। इस तरह से आपको यहाँ पर ये मान जो है इतना लिखना रहेगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए के बराबर 2.303 बट्टे 40, अब इसमें ध्यान दीजिए लॉग 10 का मान होता है 1, इतना हो जाएगा माइनस 0.845, ये जो मैंने मान लिखा है 845 ये आपका लॉग 7 का मान है। आपको पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा तो वहां पर हमेशा लॉग वाले सारे मान दिए जाएंगे जो भी क्वेश्चन में रहेंगे, ठीक है, तो वहां पर तो आपको लॉग 7 का मान दिया जाएगा, ये इतना लगभग आएगा। अब इसके बाद जो है के बराबर 2.303 बट्टे में हो जाएगा 40, इसको ध्यान दीजिए यहाँ पर घटाना है, तो घटाने के लिए क्या करेंगे 1.000 ऐसा लिख दीजिए, यहाँ पर कितना है आपका ये है 845, अब यहाँ से यहाँ से लेंगे तो कितना होगा 10, 10 से 5 जाएंगे बचेगा 5, यहाँ कितना बचा 9, 9 से 4 जाएंगे 5, यहाँ कितना बचा 9, 9 से 8 जाएंगे 1, यानी कि यहाँ पर अब आपका ये जो मान आएगा 0.155, इस तरह से ये मिल जाएगा। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं यानी कि के बराबर 2.303 बट्टे 40, देखिए सॉल्यूशन यहाँ पर छोटा करने के लिए इसको शुद्ध करके लिख दीजिए 0.16, 5 है इसके बाद वाली संख्या 5, तो इसमें एक ऐड करके इतना लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए अब आप इसको यहाँ पर जो है कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर 40 दिया गया है और यहाँ पर जो है 0.16 दिया गया, तो अब अगर इसको कैंसिल करें तो 4 × 40, इसको आप कैंसिल करेंगे तो 0.04, 4 × 16 ये इतना आ गया कुल मिला के। अब ध्यान दीजिए अब अगर 10 से भाग करेंगे तो दशमलव एक अंक और आगे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है ये आपका हो जाएगा इसमें के बराबर दशमलव एक अंक आगे और आएगा तो 2
3.03। ये पॉइंट आपके समझ में आ गया। देखिए 10 से भाग करने पर ये दशमलव एक अंक आगे आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद गुणे 0.04, ये हो जाएगा के बराबर, गुणा करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। इसके बाद 0 है तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, फिर 4 3 12 फिर 2, 4 2 8 1 9। दशमलव ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 अंक पे लगा है और यहाँ पर 4 अंक पे, तो टोटल 6 अंक पे लगा हुआ, तो 1 2 3 4 5 6 इस जगह पर दशमलव लग जाएगा, यानी कि 0.009। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, लगभग इतना आएगा। और इसको चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि लगभग अगर शुद्ध करके लिखे तो 0.009 ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो कुल मिला के ये मान आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए फॉर्मूला होता है टी हाफ बराबर 0.693 और बट्टे में होता है के। ये फॉर्मूला होता है अर्ध आयु का, ठीक है। इस तरीके से आप लिखते हैं 693 बटे के। अब के आपने याद कर लिया है तो टी हाफ बराबर 0.693 बट्टे में आप लिख सकते हैं 0.009। अब देखिए दशमलव तीन अंक पे यहाँ पर भी है, तीन अंक पे यहाँ पर भी है, तो टी हाफ बराबर ये आएगा, दशमलव से दशमलव काट दीजिए, इतना आ जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने दशमलव से दशमलव काट दिया। अब टी हाफ बराबर 9 से अगर इसको भाग करेंगे तो 9 7 63, यहाँ पर कितना बचेगा 6, फिर 63 हो जाएगा, 9 7 63, तो यहाँ पर जो है 77 सेकंड, ये आपका जो है अर्ध आयु। इस तरीके से आप यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इसके लिए आपको फॉर्मूले जो है अच्छे से तैयार रखना है। अगर फॉर्मूले याद रहेंगे तो फिर कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर फॉर्मूले नहीं याद रहेंगे तो फिर यहाँ पर समस्या होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर गा, यहाँ पर कह रहा है आपसे कि ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के दो समान रासायनिक गुणों के समीकरण लिखिए। ग्लूकोज और फ्रक्टोज की बात हुई, ये क्वेश्चन अब आपका HW के लिए रहेगा। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इसका, ये मैं आपको HW में दे रहा हूँ, ये अब आप सभी को हल करना है, ठीक है। ये आपका जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर, यहाँ पर जो है जैव अणु से लिया गया है, ठीक है, जैव अणु से। तो ये आप लोग स्वयं तैयार करेंगे, फ्रक्टोज और ग्लूकोज, इसके दो समान रासायनिक गुण लिखने हैं। फिर कह रहा है कि विटामिन ए और सी हमारे लिए क्यों आवश्यक है। अगर विटामिन ए की मैं बात करूं तो विटामिन ए अगर कमी होती तो इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, ठीक है। विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग, पायरिया हो जाता है, तो इसलिए ये विटामिन की तो आवश्यकता होगी ही, क्योंकि अगर इनकी कमी होगी तो इससे हमें ये यहाँ पर बीमारियाँ हो सकती हैं। साथ ही इनके महत्वपूर्ण स्रोत क्या हैं, यहाँ पर आपका विटामिन ए, विटामिन सी आपका आंवला में मिल जाएगा, ठीक है, इस तरह से। ये आपका विटामिन ए मछली के तेल में मिल जाएगा, तो ये सब इसके स्रोत हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं। तो वही ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको इसमें बताया गया है कि विटामिन ए की कमी से आपका ज़ीरोथैल्मिया, इसके अलावा रतौंधी हो जाते हैं, और इसका प्रयोग जो है हमारे लिए आवश्यक होता है। यह वृद्धि को प्रेरित करता है तथा रोगों के प्रति जो है वो प्रतिरोधी है। और इसके स्रोत क्या है, मछली के यकृत का तेल, गाजर, मक्खन तथा दूध, ये सब विटामिन ए के स्रोत हैं। अगर विटामिन सी की बात करें तो इसकी कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग हो जाता है, पायरिया हो जाता है, और यह रोगों के प्रति प्रतिरोधकता बढ़ाती है। स्रोत क्या है, नींबू, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, अंकुरित अनाज, ये सभी जो आपके यहाँ पर विटामिन सी के स्रोत हैं। तो ये आपको तैयार रखना है। इसके बाद देखिए अगला, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है कि द्विदंतुर तथा उभयदंतुर लिगैंड से क्या तात्पर्य है। तो अगर यहाँ पर मैं द्विदंतुर लिगैंड की बात करूँ तो द्विदंतुर लिगैंड में दो दाता परमाणु होते हैं, और जो उभयदंती दंतुर लिगैंड होते हैं इसमें भी द्विदाता परमाणु होते हैं। यानी कि आप बता सकते हैं कि द्विदंतुर लिगैंड क्या है, जिसमें दो दाता परमाणु होते हैं, यानी कि इनमें जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति होती है। किसको, धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति होती है द्विदंतुर लिगैंड में। उभयदंतुर लिगैंड में भी दो दाता परमाणु होते हैं, लेकिन यहाँ पर संकुल बनाते समय केवल एक ही दाता परमाणु जो है वो यूज होता है। तो ये आप इनके बारे में जो है यहाँ पर बता सकते हैं। तो वही ध्यान दीजिए, यहाँ पर द्विदंतुर लिगैंड के बारे में बताया गया कि वे लिगैंड जिनके पास दो दाता परमाणु होते हैं, और ये दो इलेक्ट्रॉन युग्म जो है धातु आयन को प्रदान करने की प्रवृत्ति
रखते हैं। इनको यहाँ पर द्विदंतुक लिगैंड बोला जाता है। एक आपका एथिलीन डाइएमीन होता है, ऑक्सलेट होता है C++, C++, ये आपके क्या होते हैं, द्विदंतुक लिगैंड होते हैं। इसके अलावा मैंने उभयदंतुक लिगैंड के बारे में बताया कि वे लिगैंड जिसमें दो दाता परमाणु होते हैं लेकिन संकुल बनाते समय यहाँ पर केवल एक ही परमाणु का जो है उपयोग किया जाता है, इन्हें बोलते हैं उभयदंतुक लिगैंड। तो ये आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। एग्जांपल की बात करें तो नाइट्रो, ये आपका उभयदंतु होता है, ठीक है, नाइट्राइटो। इसके अलावा साइनो और यहाँ पर आइसोसाइनो, ये सब जो होते हैं आपके उभयदंतु लिगैंड होते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिए, इसी में यहाँ पर जो है कोई क्वेश्चन और दिया गया कि कीलेट प्रभाव से क्या अभिप्राय है। ये जो आपका आंसर है ये पहले का आंसर हो जाएगा, और कीलेट प्रभाव की बात करें तो ये इसका सेकंड आंसर है आपका। कीलेट प्रभाव क्या है इसके बारे में आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब कोई बहुदंतुर लिगैंड दो या अधिक दाता परमाणुओं के द्वारा केंद्रीय धातु आयन से जो है अपने आप को इस प्रकार जोड़ता है कि केंद्रीय आयन के साथ जो है पांच या फिर छह सदस्यीय चक्र बनता है, तो यह प्रभाव जो होता है आपका कीलेट प्रभाव कहलाता है। ये याद रखेंगे इसके बारे में यहाँ पर कि जब भी कोई बहुदंतुर लिगैंड दो या फिर दो से अधिक दाता परमाणुओं के द्वारा केंद्रीय धातु आयन से अपने आप को इस प्रकार से जोड़ता है कि यहाँ पर जो है केंद्रीय आयन के साथ पांच या फिर छह सदस्यीय चक्र बन जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं, कीलेट प्रभाव यहाँ पर इसको बोला जाता है। ये आप लोग इसके बारे में याद रखेंगे। इसके बाद देखिए अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर सिक्स। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करूँ तो यहाँ पर ये जो आपका क्वेश्चन होता है इसमें आपके दो क्वेश्चन होंगे, का और खा करके, दोनों में अथवा में भी मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है कि क्या होता है जब, मतलब आपको पांच अभिक्रियाएं देनी हैं, सभी के आपको एक एक नंबर मिलने वाले हैं। इसी के साथ अथवा में एक क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, जैसे कि ध्यान दीजिए ये दिया गया है, ये उसी का अथवा का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तो प्रत्येक अभिक्रिया में बनने वाले मुख्य कार्बनिक उत्पाद की संरचना। यहाँ पर भी पांच क्वेश्चन है पांच नंबर के, मतलब एग्जाम में जब आएगा तो दोनों में से एक ही करना है आपको, सभी करने की आवश्यकता नहीं। मतलब जो आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स है इसमें पांच पांच नंबर वाले क्वेश्चन अथवा में दिए जाते हैं हमेशा, तो जो सबसे ज़्यादा यानी कि जिसमें के सभी क्वेश्चन आएंगे वो आप अटेंड करिएगा, ये ध्यान रखिएगा सभी लोग, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सिक्स हो जाएगा। तो इसकी बात हो रही यहाँ पर, तो मैं आपको सभी सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है, लेकिन जब पेपर में आएगा तो वहाँ पर आपको वही करना है जो आपको अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब इसमें हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए आंसर नंबर फर्स्ट की बात करें तो सबसे पहले कह रहा है मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया KCN यानी कि पोटेशियम साइनाइड से होती है, क्या होता है जब। यहाँ पर आपको रासायनिक समीकरण देना रहता है। देखिए मेथिल क्लोराइड यानी कि CH3Cl, ये हो जाएगा मेथिल क्लोराइड, इसकी अभिक्रिया आपको किससे करानी है, KCN से करानी है यानी कि पोटेशियम साइनाइड से। तो जब पोटेशियम साइनाइड से इसकी अभिक्रिया कराई जाएगी तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ से ध्यान दीजिए ये वाला K और ये वाला Cl निकलेगा, मतलब इसमें से आपका यहाँ पर ये निकल जाएगा KCl। जब ये निकल जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ पर बनेगा आपका CH3 और Cl, मतलब यहाँ से आपका पोटेशियम क्लोराइड निकल जाएगा और मेथिल साइनाइड यहाँ पर बन जाएगा। तो इस तरह से ये अभिक्रिया होगी, तो ये पहला हो जाएगा। अब आ जाइए सेकंड पॉइंट पे, एक एक करके ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जली KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करानी है। अबकी बार एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया, तो अब हो जाएगा आपका CH3CH2Cl, इससे आप चाहे तो C2H5Cl भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। इतना हुआ हमने यहाँ पर एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया किससे करानी है, KOH से, वो भी कैसा होगा आपका, ये जली KOH यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। तो इससे जब क्रिया कराएंगे तो सेम उसी तरह से यहाँ पर भी आपका क्या होगा, इसमें से ये वाला KCl निकल जाएगा, यानी कि यहाँ से आपका KCl ये निकल जाएगा, तो क्या बनेगा आपका CH3
सी एच टू, और यहाँ पर ये जुड़ जाएगा आपका OH, यानी कि ये बन जाएगा आपका एथिल अल्कोहल। यहाँ पर क्या बना? एथिल अल्कोहल। और इसमें से आपका KCl, देखिए जो माइनस KCl लिखा जाता है, चाहे तो आप इधर करके प्लस करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, उसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, ये मैंने पहले भी आप सभी को बता रखा है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमो बेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से कराई जाती है। अब ध्यान दीजिए ब्रोमो बेंजीन, यहां पर जो है ब्रोमो बेंजीन यानी कि BR, इसकी क्रिया आपको मैग्नीशियम से करानी है। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर। तो जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमो बेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से कराई जाती है तो आपका हमेशा ग्रिगनार्ड अभिकर्मक बनता है, मतलब यहां पर बन जाएगा MgBr। इस तरह से यहां पर ये बन जाएगा आपका MgBr, जिसे क्या बोलते हैं? ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। इसको यहां पर बोला जाता है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। इस तरीके से आप यहां पर जो है इसके बारे में बता सकते हैं। तो ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। अब आ जाइए चौथे पॉइंट पे। चौथे में क्या कह रहा है कि एन ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रियत किया जाता है, अभिकृत किया जाता है। किसको? एन ब्यूटिल क्लोराइड। ब्यूटिल की बात हुई तो कितने कार्बन होंगे? चार। चलिए ध्यान दीजिए यहां पर, अब ये आपका चौथा है CH2, 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 चार कार्बन यानी कि ब्यूटिल, और क्लोराइड की बात हुई थी इसलिए Cl, इतना हो जाएगा। और इसको यहाँ पर जो है एन ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH इसके साथ क्या किया जाता है? अभिकृत किया जाता है। यहाँ पर जो है इसको एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH के साथ क्या किया जाता है? अभिकृत किया जाता है। तो जब अभिकृत किया जाएगा तो यहाँ से ध्यान दीजिए, इसमें से आपका एक तो KCl निकलेगा बाहर, ठीक है, यहाँ से जो है आपका इसमें से क्या निकलेगा? KCl, ये पोटेशियम और ये Cl निकल जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ से आपके ध्यान दीजिए ये वाला हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ से ध्यान दीजिए एक हाइड्रोजन निकलेगा तो आपका H2O निकल जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा क्या? अब ध्यान दीजिए ये आपका बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, इसके अलावा यहाँ पर आपका हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH इस तरीके से, यानी कि यहाँ पर आपका ब्यूटीन बन जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या बनेगा आपका? ब्यूटीन। इस तरीके से यहाँ पर ये क्रिया जो है आपकी होती है, ये हो जाएगा, ठीक है, इतना हुआ। इसके बाद आ जाइए पॉइंट नंबर 5 पे। इसमें ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है। अब बात हुई है क्लोरोबेंजीन की, क्लोरोबेंजीन ये हो गया आपका Cl, तो यहाँ पर ये क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। इसका क्या किया जाता है? जल अपघटन किया जाता है, यानी कि H2O। यहाँ पर इस जल अपघटन से क्रिया होती है तो यहां पर आपको प्राप्त होता है अल्कोहल, यानी कि यहां से OH आकर आपका इस पर जुड़ जाएगा। अब यहां पर देखिए एक H और ये वाला Cl बाहर निकलेगा, यानी कि HCl। इस तरह से यहां पर ये क्रिया जो है आपको होती है, तो ये यहां पर क्रिया हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको यहां पर जो है इस क्वेश्चन में सभी में रासायनिक समीकरण लिखने रहेंगे, जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे इन सभी में क्या करना है आपको? यहाँ पर जो है रासायनिक समीकरण जो है इस तरीके से लिखना था, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे ये 5 नंबर के होंगे और आपको 5 नंबर यहाँ पर मिलेंगे। अथवा में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा इस तरह से, यहाँ पर रासायनिक समीकरण कंप्लीट करने रहते हैं, लिखा है निम्नलिखित प्रत्येक अभिक्रिया में बनने वाले मुख्य कार्बनिक उत्पाद की संरचना लिखिए, यानी कि सूत्र लिखिए। तो अब ध्यान दीजिए, अब इसमें देखिए आप,
जैसे कि यहाँ पर बात करें, ये आपका दिया गया सोडियम आयोडाइड, तो जब सोडियम आयोडाइड की क्रिया इस क्लोरीन वाले भाग से कराएंगे तो यहाँ से Cl और ये Na बाहर निकलेगा, मतलब इसमें से आपका NaCl ये निकल जाएगा। तो यहाँ से अब आपका ये Na और Cl निकल गया, तो इसका मतलब बचा क्या, अब ध्यान दीजिए CH3, इसके अलावा CH2, फिर आपका हो जाएगा CH2 और Cl था, तो अब Cl की जगह पर क्या जुड़ जाएगा आपका I, यानी कि आयोडीन। तो यहाँ पर आयोडीन जो है आपका इस Cl को क्या करेगा, प्रतिस्थापित कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से NaCl बाहर निकल जाएगा, तो इस तरह से ये अभिक्रिया होगी। इसमें ध्यान दीजिए सेम उसी तरह से यहाँ से भी ये सोडियम जो है इस Cl के साथ क्रिया करके बाहर हो जाएगा, यानी कि इसमें से भी आपका NaCl NaCl ये आपका बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है बचेगा क्या, C6H5O और यहाँ पर ये आपका C2H5। इस तरह से ये समीकरण कंप्लीट होगा। अगले में आ जाइए, ये आपकी जो डार्जिन अभिक्रिया बताई गई उसका है, ये आपको थायोनिल क्लोराइड दिया गया है। तो जब थायोनिल क्लोराइड की बात करें तो यहाँ से आपका SO2 बाहर निकलेगा, पहले तो देखिए SO और ये वाला O निकल जाएगा SO2, इसके अलावा यहाँ से ये हाइड्रोजन और इसमें से एक Cl निकलेगा, एक Cl आपका इसके साथ जुड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर ये क्या बनेगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर आपको दिया गया है CH2। अब मैंने बताया यहाँ से एक Cl आके इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर जो है इसमें जुड़ गया आपका Cl, यहाँ से निकला क्या, एक तो आपका SO2 निकल जाएगा और साथ में HCl, इस तरह से यहाँ से कितना निकल जाएगा, ये आपको डार्जन अभिक्रिया बताई गई थी उसमें से लिया गया है, ठीक है। तो SO2 और HCl ये बाहर हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा इतना। अगले वाले में आ जाइए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये मार्कोनी ऑफ का नियम जो बताया गया था वो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें होगा क्या, यहाँ से जो है आपका एक बॉन्ड टूट जाएगा, डबल बॉन्ड लगा है, एक बॉन्ड इसमें से टूट जाएगा, यहाँ से Br आकर जो है इसमें जुड़ेगा, यहाँ पर जो ब्रोमीन दिया गया है वो आकर आपका इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए इसको आप कैसा लिखेंगे, इसको आप लिख सकते हैं CH3, इसके बाद है CH2, फिर है आपका CH। अभी मैंने बताया कि यहाँ पर क्या होगा, ये डबल बॉन्ड आपका टूटेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ से Br आकर इधर जुड़ जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा आपका Br और इसके अलावा जो CH2 था उसमें ये वाला हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो अब ये बन जाएगा CH3। इस तरीके से यहाँ पर जो है आप इसके बारे में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर। अब इसके बाद देखिए इसकी बात करें, अगर यहाँ पर ये 5 नंबर देखिए, ये आपको दिया गया है CH3, इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है CH डबल बॉन्ड सी, इसमें देखिए CH3 का होल ट्वाइस है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं CH3 CH3, और इसकी क्रिया करानी है HBr से, यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड से। इस तरह से आपको यहाँ पर जो है इसकी क्या करानी है, क्रिया करानी है। तो ये इतना यहाँ पर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए इसमें होगा क्या, यहाँ से जो है इसका ये वाला बॉन्ड टूटेगा, जो डबल बॉन्ड लगा है ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो अब ध्यान दीजिए CH3 CH, यहाँ पर मैंने क्या बताया, इसका डबल बॉन्ड जो है यहाँ पर ये टूट जाएगा। तो जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ से जो है ये हाइड्रोजन आके इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर जो सी दिया गया था इसमें ध्यान दीजिए, एक तो आपका ये CH3 जुड़ा हुआ है इस तरह से, एक CH3 आपका ये दिया गया था, और Br आके यहाँ पर जुड़ जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड अभी जब टूटा था, तो यहाँ से एक ब्रोमीन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ये दोनों यहाँ पर आके जुड़ जाएंगे। तो इस तरह से अब ये जो बना है इसका अगर नाम की बात करें तो देखिए नंबर डालिए, तो यहाँ पर 1 2 3 4 चार कार्बन है, तो इसका मतलब ब्यूटेन है। दो नंबर पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ब्रोमीन भी जुड़ा है, मिथिल भी जुड़ा है, तो इसका मतलब 2 ब्रोमो 2 मेथिल, चार कार्बन है ब्यूटेन,
तो कुल मिलाकर 2 ब्रोमो 2 मेथिल और 2 ब्यूटेन यहाँ पर, सॉरी ब्यूटेन, इस तरह से यहाँ पर ये बन जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सभी समीकरण जो दिए गए थे ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो जब भी एग्जाम में आएगा तो यहाँ पर अथवा में क्वेश्चन हमेशा रहेगा, इस 6 नंबर में 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। दोनों में से आपको जो अच्छे से आता होगा वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है, ये सभी लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर खा है इसी का, यहाँ पर भी इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन अथवा में रहेंगे, मतलब एक क्वेश्चन ये किसके अथवा में, जो भी आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है कि निम्नलिखित को उदाहरण सही समझाइए, आपको कुछ नेम रिएक्शंस दी गई हैं जैसे कि कोलबे अभिक्रिया, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ पर ध्यान दीजिए, बताया गया कि सोडियम फिनॉक्साइड को CO2 के साथ जो है 125 डिग्री सेल्सियस और उच्च दाब पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होता है और इस मिश्रण को HCl द्वारा यहाँ पर अम्ली करने पर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। इस क्रिया को बोलते हैं कोलबे अभिक्रिया, लेकिन जब भी नेम रिएक्शन आती है तो वहाँ पर आपको डिटेल में बताना रहता है, यानी कि इसकी अभिक्रिया भी बतानी रहेगी। तो यहाँ पर बात किसकी हुई है, सोडियम फिनॉक्साइड की। चलिए अब इसका ध्यान दीजिए, समीकरण यहाँ पर जो है सोडियम फिनॉक्साइड की बात हुई है, इसकी क्रिया हम लोग किससे कराएंगे, CO2 से कराएंगे, यानी कि यहाँ पर जो है लगभग 125 डिग्री सेल्सियस और 4 से 7 वायुमंडलीय दाब पर कराई जाती है। यहाँ पर जो है इतना यहाँ पर दाब जो है इसमें होना चाहिए, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर 125 डिग्री सेल्सियस या फिर आप 400 केल्विन का भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर याद रखिएगा कि ये जो दिया गया आपका ये क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड, सॉरी यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सोडियम फिनॉक्साइड ये आपका होता है इस तरह से, इसमें जो है आपका ये पॉजिटिव होता है और ये क्या होता है निगेटिव, ये धनात्मक होता है और ये वाला जो होता है ये आपका ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ये दिया गया है, सबसे पहले इसकी उपस्थिति में जब क्रिया होती है तो यहाँ पर जो बनता है वो आपका बनता है सोडियम फेनिल कार्बोनेट, यहाँ पर क्या बनेगा, सोडियम फेनिल कार्बोनेट। इसके लिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पर जो बनेगा आपका ये बनेगा सोडियम फेनिल कार्बोनेट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले आपका O था, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए C, और ये 2 ऑक्सीजन है तो इसको आप ऐसा लिखेंगे C(OO)NA। यहाँ पर जो है आपका ये पॉजिटिव है और ये वाला क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ पर मैंने बताया क्या बनता है, सोडियम फेनिल कार्बोनेट। अब इसका यहाँ पर क्या होता है, इसका यहाँ पर पुनर्विन्यास होता है, यहाँ पर जो है इसका वापस से क्या किया जाएगा, पुनर्विन्यास किया जाएगा। तो जब इसका पुनर्विन्यास किया जाएगा तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे पहले इस तरह से यहाँ पर इसका जब वापस से पुनर्विन्यास किया जाता है तो यहाँ पर बनता है आपका OH और ये आपका हो जाता है COO NA। बाकी यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जहाँ पर आपको सोडियम दिया जाए वो आपका हमेशा पॉजिटिव रहेगा और ये वाला हमेशा निगेटिव रहेगा। और इसकी क्रिया जो है अब अम्लीय माध्यम में जल से करा सकते हैं आप, यानी कि H2O से करा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या बनता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल बन जाता है। यहाँ पर जो है आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल जो है प्राप्त होता है, जिसे आप यहाँ पर सैलिसिलिक अम्ल भी बोल सकते हैं। अगर मैं बात करूँ तो इसे आप क्या बोल सकते हैं, सैलिसिलिक अम्ल, ये आपका हो जाएगा OH और यहाँ पर लग जाएगा COOH, ये ऑर्थो पोजिशन पर जुड़ा होता है इसलिए इसे ऑर्थो बोलते हैं, ठीक है। बाकी याद रखिएगा, इसे सैलिसिलिक अम्ल भी बोल सकते हैं आप, सैलिसिलिक
अम्ल। तो ये अभिक्रिया जो है आपकी यहाँ पर कोलबे अभिक्रिया कहलाती है। तो जब भी एग्जाम में आएगा तो आपको समीकरण तो लिखना ही है, साथ में आपको डिटेल में यहाँ पर समझाना रहेगा। तो ये होगी कोलबे अभिक्रिया। अब बात हुई थी राइमर टीमन अभिक्रिया की, तो इसमें बताया गया कि जब फिनॉल की क्रिया जली NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराई जाती है तो आपका सेल्शिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है, और इस अभिक्रिया को राइमर टीमन अभिक्रिया यहाँ पर जो है बोला जाता है। तो किसकी बात हुई है? फिनॉल की। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं C6H5 यहाँ पर ये हो। अब ध्यान दीजिए, अब चाहे तो आप बेंजीन रिंग बनाकर उसके ऊपर आप OH लगा दीजिए, या फिर डायरेक्ट C6H5 लिखकर OH लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा फिनॉल। इसकी क्रिया किससे करानी थी आपको? क्लोरोफॉर्म से, यानी कि CHCl3 से करानी है। किसकी उपस्थिति में? जलीय NaOH की उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में। इसके यहाँ पर 3 मोल जो है वो यूज़ किए जाएंगे जलीय NaOH के, ये लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले इस तरह से यहाँ पर जब क्रिया कराई जाएगी तो ये आपका बनेगा OH, यहाँ पर बनेगा आपका CH, OH का होल ट्वाइस। इस तरीके से आपका होता है CHOH का होल ट्वाइस। इसकी क्रिया जो है वापस से आपको NaCl से करानी है और साथ में जल, और ये जो क्रिया होगी अम्लीय माध्यम में कराई जाएगी। NaCl के यहाँ पर भी आपको 3 मोल जो है वो यूज़ करने रहेंगे, तब यहाँ पर आपका बनता है ऑर्थो सैलिसिलिक एल्डिहाइड। अब इसमें आपका यहाँ पर जो है जब ये क्रिया होगी तब आपका बनेगा ऑर्थो सैलिसिलिक एल्डिहाइड, यानी कि यहाँ पर होगा आपका OH, एल्डिहाइड है इसलिए CHO, ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा हुआ है इसलिए इसे बोलते हैं ऑर्थो सैलिसिलिक एल्डिहाइड। चाहे तो आप यहाँ पर नाम भी लिख सकते हैं इसका, ये क्या है आपका? ऑर्थो सैलिसिलिक एल्डिहाइड, ये हो जाएगा आपका राइमर टीमन अभिक्रिया। इसके अलावा बात हुई थी राइमर टीमन अभिक्रिया के अलावा किसकी? विलियमसन ईथर संश्लेषण की, यानी कि ईथर के निर्माण की विधि की बात हो रही है, विलियमसन संश्लेषण। तो अब ध्यान दीजिए, अगर हम लोग विलियमसन ईथर संश्लेषण की बात करें, इसका ध्यान दीजिए, मैं डायरेक्ट आपको समीकरण बताता हूँ। इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें एल्किल हैलाइड की क्रिया, यानी कि जो RX है, इसकी क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से कराई जाती है। तो जब सोडियम एल्कोक्साइड से कराते हैं, यानी कि इसकी उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो आपका यहाँ पर जो है ईथर बनता है। जब यहाँ पर इसकी क्रिया होती है तब इसमें क्या बनता है? ईथर। और यहाँ से आपका जो है सोडियम हैलाइड यानी कि NaX बाहर निकल जाता है। इसमें से ये आपका यहाँ से क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल में देखिए, R के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? R के जगह पर आप लिख सकते हैं C2H5 ले लीजिए, X की जगह पर आप Cl ले लीजिए, Br ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आप मान लीजिए Cl ले लिया आपने, तो यहाँ पर आपको दिया गया है NaO। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपका एल्किल समूह दिया गया है, ठीक है। तो C2H5 भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप CH3 यूज कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसमें से ये निकलेगा आपका, यानी कि यहाँ से NaCl ये बाहर निकल जाएगा, तो बचा क्या? C2H5, इसके अलावा O, और R का मतलब आपका CH3। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है क्या बनता है? ईथर का निर्माण होता है। ये अभिक्रिया जो है आपकी यहाँ पर विलियमसन संश्लेषण ईथर, यानी कि विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगर आप इसमें लिखना चाहें तो आप क्या बताएंगे कि जब आपका यहाँ पर जो है एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से कराई जाती है तो यहाँ पर आपका ईथर जो है वो बन जाता है, और इस क्रिया में आपका सोडियम हैलाइड यहाँ पर निकलता है या फिर अवशेष बच जाता है। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में बता सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। अब यहाँ पर इसके अथवा में भी ये क्वेश्चन दिया गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको इसके बाद के सारे क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करवाऊंगा। धन्यवाद।